प्रधानमंत्री जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। 2019 में नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2018 की जो नेगेटिव न्यूज़ है उसी से शुरुआत करूंगी। चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप? आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी मेरी तरफ से 2019 की शुभकामनाएं। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि देशवासी अपने सपने पूरे करने के लिए और अधिक उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ें, और एएनआई को भी मैं चाहूँगा अनेक अनेक शुभकामनाएं कि आपकी भी प्रगति हो, आपका भी विस्तार हो। जहाँ तक 2018 का सवाल है, मेरी दृष्टि से बहुत ही सफल वर्ष रहा है। चुनाव देश की अनेक पहलुओं में से एक छोटा सा पहलू होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं। अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा सरकार देती है, वो आयुष्मान भारत योजना अभी तो 100 दिन नहीं हुए, करीब 6-7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपनी 3-3, 4-4 साल से बीमारी झेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ति मिलती हो तो मैं उसे कैसे असफल मान सकता हूँ? मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विषय है। दुनिया आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती हो और भारत को कभी उसमें दोषी माना जाता हो, दुनिया में पर्यावरण खराब करने वाले देशों में हमारी गिनती होती हो, उस देश को 2018 में यूनाइटेड नेशंस अगर चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दे करके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रूप में देखे तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। हमारा देश आज़ाद हुआ इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे थे जब मैं आया बिजली नहीं थी, इसी 2018 में सभी गांवों में बिजली पहुंचने का काम पूरा हुआ। ये सफलता नहीं है तो और क्या है? स्पोर्ट्स का क्षेत्र देखिए, 2018 में जो स्पोर्ट्स हुए, इन स्पोर्ट्स में भारत के बच्चों ने बहुत कमाल किया है। नंबर ऑफ मेडल्स भी ज़्यादा आए हैं और Tier 2, Tier 3 सिटी, इवन गांव के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पैरा एथलेट्स के में भी भारत के बच्चों ने बहुत बड़ी कमाल करके दिखाई है। यानी एक प्रकार से खेलकूद लो, अब 104 सैटेलाइट का आसमान में जाना रिकॉर्ड होता है, वैज्ञानिकों का आप देखिए। बम्पर क्रॉप 2018 में बम्पर क्रॉप हुआ है, ये भी अपने आप में, यानी कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, भारत अनेक प्रगति की ऊंचाइयों को पार करता चला गया है, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ता गया है। और इस अर्थ में मैं देखूं तो 2018 का सवाल भारत के लिए बहुत ही उज्ज्वल समय रहा है। वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी। चुनाव को लेकर 5 राज्य में चुनाव हारी है बीजेपी और आप प्रधानमंत्री हैं बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते, इसे असफलता नहीं मानते? पहली बात है, तेलंगाना और मिजोरम, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात न कोई सोचता था, न कोई कहता था, न बीजेपी कहती थी। जिन 3 राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में साफ साफ नतीजा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के हमारे लोग मैदान में थे और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाणा में स्थानीय स्वराज के चुनाव हुए,
सारे चुनाव हम जीत गए। त्रिपुरा के अंदर 90-95% विक्ट्री हमारी हुई। जम्मू कश्मीर में 74% पोलिंग हो और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आ जाए, सभी पंचायतों में 30-35 हज़ार लोग विजयी होकर के आए। जीत और हार यही एक मानदंड नहीं होता है। आप वोट शेयर और सीट के बारे में कह रहे थे, जहाँ जहाँ आपने कैंपेनिंग के इन इलेक्शंस में, वहाँ पर वोट शेयर जो है सीटों में तब्दील नहीं हुई, और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मोदी मैजिक कम हो गया है या फिर नहीं के बराबर है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले इस बात को कहने वाले मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब वो ये कहते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज़ है, मोदी लहर है, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखिए, आप 2013-14 के कालखंड की अखबार निकाल दीजिए, टीवी डिबेट निकाल दीजिए, एक सेट ऑफ पर्संस है, कुछ निश्चित लोग हैं जो 2013-14 में भी बोलते थे कि लहर नहीं है, मोदी जीत नहीं सकते, मोदी आकर के कुछ नहीं कर सकते, मोदी सारे उनके यही वही सेट ऑफ पर्संस, एक दो कम हुए हो एक दो ज़्यादा हुए हो अलग बात है, लेकिन मेन धारा वही है। अब उनकी जिम्मेवारी है कि जिनके लिए वो काम करते हैं उनके लिए उनको कुछ ना कुछ तो नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, और इसलिए इस बात की मुझे खुशी है कि उनको इतना स्वीकार करना पड़ा है कि मोदी लहर नाम की कोई बात है, मोदी मैजिक नाम की कोई बात है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि लहर सिर्फ और सिर्फ जनता की आशा आकांक्षाओं की होती है। लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांक्षाएं कौन पूरी कर पाएगा उस विश्वास की होती है, और आज हिंदुस्तान में विश्वास पनपा है, आज हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी के एस्पिरेशंस बढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। पर ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा, और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है, आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी, और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। कोई साइंटिफिक चीज़ है कि ये इतनी सीटें, इतना क्लब, इतना क्लब ना, ये तो एक लिमिटेड, मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लॉजिक था, उस समय भी 200 से कम वाली क्लब की चर्चा इसी टोली ने की थी। और ये सेट ऑफ पर्सन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप भली भांति जानते हैं कौन है, तो ये उनके लिए उनके नैरेटिव चलता रहता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को ये कहता रहा हूँ कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें। आखिर हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से वो दूर जाने की कोशिश करेगा? 5 साल पहले के अखबार देख लीजिए, और मैं तो आपसे कहूँगा, मैं भी आपको भेजूँगा कि 2013-14 की हेडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हेडलाइन क्या होती है। तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है, और मेरा देश की जनता जनार्दन पर भरोसा है, मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है। अगर आप ठीक है, अगर उनके नैरेटिव पे ना जाएं, अगर आपके नैरेटिव पे जाएं, तो आप 2013 से
आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में, जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका, वो तो साकार नहीं हो पा रहा। मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या विस्तार से की है, पहले भी की, आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया, सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुंच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास ही राजनीतिक कल्चर, यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूँ, तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और मैंने यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस को भी कांग्रेस कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट रहे या न रहे, ये चर्चा का विषय नहीं था। और मैं तो मानता हूँ कि लोकतंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कांग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है। 2017 तक शायद मोदी अमित शाह फैक्टर को एक कहा जाता था कि यू कैन नॉट बीट दिस कॉम्बिनेशन, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि ये जो एक लीडरशिप है, इसको अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि इट्स दैट मैजिक इज नॉट देयर, यू आर लूजिंग इलेक्शन, यू आर लूजिंग। तो फिर अगर नैरेटिव आपका अगर इतना सफल है, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं? तो लीडरशिप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? पहली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण चलती है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता 365 दिन लगा रहता है। और इसलिए एक या दो लोग ही भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं, ये उन लोगों की सोच है जो भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक संगठन है, हर स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के बलबूते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है, उसी की क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के जन विश्वास को जीतते हुए प्रगति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस गति से प्रगति की है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बार बार ये कहना है कि बीजेपी हारती चली जा रही है, इससे हार तय नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी गिनाया आपको, आसाम हो, हरियाणा हो, त्रिपुरा हो, तो मोरल डाउन नहीं है पार्टी में? मोरल डाउन होने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है। एक आत्मविश्वास है, पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है। और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग हैं, जनता के भरोसे पर समर्पित है हम लोग हैं, और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं तो हम लोग हैं। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं द रीजन फॉर द लॉस वॉज एक तो नोटबंदी और फिर GST के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से, बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें निकली पड़ी मिलती थी। ये सारी चीज़ें
इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। दूसरा, आज आप नई पीढ़ी से बात करो, वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा, उस जमाने में शायद टैक्स रिजीम ऐसी थे, अब हम ईमानदारी से करना चाहते, एक ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा, आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बड़ी है, इसको क्या कहेंगे, इसकी सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है, इसको हम अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरा, हमारे देश में करेंसी जीडीपी की तुलना में कम होती जा रही है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में, शायद चीजें चलाना मुश्किल हो जाता। पर ऐसे झटका देने की जरूरत थी क्या? बात है। ये झटका नहीं है जी। एक साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए, ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फ़ायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियाँ ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, एक साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है, और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी व्यवस्था बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, हम इसका बात का इनकार नहीं करते हैं। इवन मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, वह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में, आपको मालूम है जीडीपी कितना गिर गया था, ग्रोथ कितना गिर गया था, करीब करीब 2% के भी नीचे आ गया था, क्योंकि एक बदलाव आया था। तो बदलाव के कारण, लेकिन बाद में स्थिति संभलती चली गई। आज हम भी, हमारे जो ग्रोथ रेट था वो पूरी तरह पहुँच गए हैं, लेकिन एक सफाई की ज़रूरत थी, उसको हमने सफलतापूर्वक किया है, और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की। सर, आपने ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चौकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्या, अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए? यू हैव नॉट बीन एबल टू मीट देम। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है, इतना ही नहीं विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूँ कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए, इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है,
कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, कभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, मैं नया नया था, मैं G20 में गया था, पहली मेरी G20 समिट थी, उस G20 समिट में मैंने काले धन और बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विदेशों में, जो एक प्रकार से हेवन बन चुके हैं, उसके संबंध में विस्तार से विषय रखा था। और पहली बार G20 समिट में सभी देशों ने मिलकर के इसको एक गंभीर समस्या माना था, उसको टेररिज्म फंडिंग होता है ये भी चर्चा आई थी, और आज दुनिया के देश जानकारियां देने के लिए तैयार हुए हैं। भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किया है कि ऐसे देशों में जो पैसे आएंगे तो आने वाले समय में हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे, और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इसलिए ब्लैक मनी को वापस आना ही पड़ेगा। सर, आपके सारे स्पीचेस 2013 से जो भी स्पीचेस थे, 2G, 3G, CWG, दामाद जी, इस पे आप स्पीच पर स्पीच दे रहे जाते, लेकिन ये लोग तो अभी भी लोधी गार्डन में सैर करते नजर आते हैं, कोई जेल नहीं गया। ऐसा है कि जमानत भी तो है, जो जमानत पर है वो शहर कर सकते हैं, कानून रोकता नहीं है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश का फर्स्ट फैमिली जिसको बड़ा बोला जाता था, चार चार पीढ़ी से जिन्होंने देश को राज किया है, उनको जमानत पर निकलना पड़ेगा, और वो भी पैसों की हेरा फेरी में। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, और जो सेट ऑफ पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं, वो ऐसी चीज़ों को दबाने में लगे रहते हैं और चीज़ों को उभारने में लगते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री, उनको आज अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है इसलिए उनको तकलीफ हो, इस पक्ष के हम नहीं हैं। तो ये वेंडेटा नहीं है, इस पक्ष में हम कभी नहीं हैं। हम मानते हैं कानूनन प्रक्रिया में जो निकलेगा वो मोदी हो तो मोदी को भी भुगतना पड़ेगा, वरना देश चल नहीं सकता है। और इसलिए न हमारा किसी व्यक्ति से संबंध इसमें कोई लेना देना है, न किसी संस्था से लेना देना है। मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम करें, अदालत जो फैसला सुनाए उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश ज़्यादा इंतजार करना नहीं चाहता है, और इसलिए ऐसी चीज़ें लटकनी नहीं चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहता इसीलिए मोदी जी को वोट दिया, ये कहते हैं लोग, लेकिन 5 साल लग गए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा। ये देश को विश्वास है कि 5 साल में इतना सारा हुआ है इसलिए मोदी पर ज़्यादा भरोसा है। चलिए, GST के मामले में इसको राहुल गांधी गबर सिंह टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं, क्या आप मानते हैं कि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रह गई इसलिए काफ़ी रोल बैक करना पड़ा, और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं, गबर सिंह टैक्स, जो है मतलब जबरन कोई टैक्स लगाया जाए? मुझे लगता है जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके शब्द होते हैं, और इसलिए उसमें मेरा उलझना उचित नहीं होगा। दूसरा विषय है, क्या GST की प्रक्रिया हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है? प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब से GST का सिलसिला चला है, और इसलिए GST सभी राजनीतिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्था लाने की सोच का वैसे पनपी हुई व्यवस्था है। दूसरा, पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है। तीसरी बात है, क्या GST आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या था? क्या मेरे मीडिया के मित्रों की भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामान्य मानव, उसको सब पता नहीं होता है, लेकिन हमें बताना भी तो चाहिए। सरकार बार बार बता दी, हमारे देश में 30-40% टैक्स वाली चीज़ें थी, 30-40%, और हिडन टैक्स हुआ करता था, सामान्य मानव को पता ही नहीं चलता था, और लोग लेते थे पैसे, बार बार टैक्स लगता था, हर मुकाम पर टैक्स लगता था। GST के कारण ये सिंप्लीफाई हुआ, आज 500 से ज़्यादा चीज़ें 0 टैक्स में आ गई, जो किसी समय
बहुत ऊंचे टैक्स हुआ करते थे। पिछले दिनों हमने जीएसटी बनाने के बाद करीब 1200 1250 ऐसी चीज़ें जो जीवन सामान्य जीवन की ज़रूरत है, कोई 18%, कोई 12%, कोई 5%, कोई 0%, इतना नीचे ले आए। और इसमें भी हमारा मत है कि इस काम को हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हम फीडबैक लेते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार नहीं करती है, देश को आपको भी समझाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में निर्णय होते हैं, जीएसटी काउंसिल में एक प्रकार से सभी राज्य सरकारें होती हैं, यूनियन टेरिटरी होती है, उसमें एक भारत सरकार होती है, सबकी इक्वल पोजीशन है वहाँ, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब बराबर के हैं। भारत सरकार भी एक राज्य के बराबर ही है, पुडुचेरी और भारत सरकार दो इक्वल है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर कांग्रेस की सरकारें भी हैं, ये सारे निर्णय हुए हैं। पार्लियामेंट में सर्वसम्मति कांग्रेस है, जीएसटी में सर्वसम्मति वहाँ भी कांग्रेस है, जीएसटी के अंदर सर्वसम्मति में कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी। अब वो अपने ही पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या, अपनी ही सरकारों को गाली दे रहे हैं क्या? और इसलिए सिर्फ राजनीतिक हो हल्ला करना ये उचित नहीं है। जहाँ तक जीएसटी एक नई व्यवस्था है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश, आपने देखा होगा हर राज्य का जब बजट आता है और टैक्सेस के संबंध में जो बात घोषित होती है, उसके बाद उस राज्य में बहुत हो हल्ला होता है, और सरकार राज्य में जो घोषित करती है 5-6 फिर उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है, और जब बजट फाइनल पास होता है तो उसमें वो छुट्टी दे देते हैं। हर राज्य में होता है, मैं भी गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मुझे भी करना पड़ता था, हर बजट में करना पड़ता था, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि इसका ये परिणाम होगा, लेकिन बाद में ध्यान में आता है नहीं इसका तो ये साइड इफेक्ट ये होगा, तो हमें बदलना पड़ता था। अब देश के सभी राज्यों में जिस विषय को लेकर के हो हल्ला होता था, उनके उनके बजट में होता था, वो जीएसटी के कारण सब एक जगह पे होता है, इसलिए बड़ा लगता है, बड़ा लगता है। लेकिन मिल बैठ करके इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इतनी बड़ा परिवर्तन लाते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो बहुत से छोटे व्यापारियों को थोड़ा अनकम्फर्ट हुआ है, और ये तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अनकम्फर्ट हुआ है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि संवेदनशीलता के साथ उनको समझे, उसकी समस्या का समाधान करे। तो ऐसी जितनी बातें हमारे सामने आती हैं हम जीएसटी काउंसिल में रखते हैं, जीएसटी काउंसिल उसका सरलीकरण में हम मिल बैठ करके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो महत्वपूर्ण फैसले करना हम चाहते थे कि एक जो 20 लाख रुपये तक की जिम्मेवारी हमारे व्यापारियों को है, उसकी सीमा हम 75 लाख कर करके उनको मुक्ति देना चाहते थे, लेकिन जीएसटी काउंसिल में हम नहीं कर पाए, कुछ रिजर्वेशन थे कुछ स्टेट के, तो आखिर के एक कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी का निर्णय आ जाएगा तो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा काम हमारे लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के लिए टैक्स जीएसटी और फिनिश मकान के लिए जीएसटी, उसमें भी हम जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए हमने किया, कुछ नहीं भाई 5% में सब कर देंगे, उस दिशा में हम जाना चाहते थे, उसमें भी कुछ लोगों के रिजर्वेशन थे तो जीएसटी में नहीं कर पाए। अब वो कमेटी को गया है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी वो भी अगर हो सके कमेटी रिपोर्ट कर दें। तो इसलिए हम लगातार जीएसटी सरल बने, जीएसटी कंज्यूमर के बेनिफिट को एक प्रकार से सुरक्षित रखें, उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं। इतने कम समय में, इतने बड़े देश में, इतनी विविधताओं के बीच ये अचीवमेंट जो हुआ है वो छोटा नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि हर चीज़ इतने बड़े देश में सुधरने के लिए संभावना होती है। हम लगातार बदलाव कर रहे हैं, लगातार नई नई चीज़ें ठीक कर रहे हैं। सर, आपका जो एक लॉयल कमिटेड वोटर बेस जो है वो है व्यापारी, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। आपने पुडुचेरी का जिक्र किया, वो जो जैन साहब जिसने वो सवाल पूछे थे वो भी वही मिडिल क्लास वर्किंग क्लास व्यापारी था, और वो भी वही सवाल पूछ रहा था कि हम मिडिल क्लास लोग जो है टैक्स भरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता। क्या मिडिल क्लास के लिए आपके पास कुछ है जिससे उन्हें राहत मिल जाए? पहली बात है, मिडिल क्लास के विषय में हमारी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास कभी भी
किसी के दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है। वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला वर्ग कोई है तो मध्यम वर्गीय समाज है। नीचे का तबका है, उसको कुछ मिलना चाहिए, इसकी पॉजिटिव सोच रखने वाला भी मिडिल क्लास का है। और इसलिए भारत में मिडिल क्लास की चिंता करना हम हमारा दायित्व समझते हैं। देश हित में भी हमारा दायित्व, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें वोट देता है, देश हित में भी हमारा मत है कि भारत का बढ़ता जाता जो मिडिल क्लास वर्ग है उसकी चिंता करनी चाहिए। अब जैसे महंगाई आप 2013-14 से निकालिए, इन्फ्लेशन क्या था, फिर मैं कहता हूँ अखबारों के कतरन निकाल के देख लीजिए आज क्या है जी। हम 2% 3% पर लेके आए गए इन्फ्लेशन जो 18-18% पर पहुँचा था। इसका सीधा बेनिफिट किसी को हुआ है तो मध्यम वर्ग को होता है। महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविधा बढ़ती है, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, मध्यम वर्ग का वर्ग सामाजिक स्थिति में उसको जो रहन सहन है उसमें गिरावट नहीं ला सकता है, उसको बोझ झेलना पड़ता है, वो हमने उस पर से मुक्ति दिलाई। मान लीजिए हम एजुकेशन में मेडिकल सीटें बढ़ाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई, इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी कौन है? मिडिल क्लास के जो एस्पिरेशंस है उसको मैंने एड्रेस किया। उड़ान योजना अगर हम लाते हैं और 2500 रुपये में देश का हवाई जहाज में लोग जाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, वो जाते हैं। रेलवे के अंदर एसी कोच में ट्रैवल करने वालों से ज़्यादा आज हवाई जहाज में ट्रैवल करने वाली संख्या हो गई है। ये कौन लोग है? मिडिल क्लास है। उसको जाने की संभावना बनी तब जा रहा है। दूसरा, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस के वाले काम कैसे हो, जैसे ये आयुष्मान भारत योजना, लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को 5 लाख रुपए तक की बीमारी में मदद कर रहा है, लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश में अस्पताल बनेंगे, इसके कारण देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे मिडिल क्लास के लोग होंगे। मिडिल क्लास के लिए मुद्रा योजना, अब मुद्रा योजना के अंदर करीब 15 करोड़ लोन स्वीकृत होना, इतना बड़ा काम है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो मिडिल क्लास का व्यक्ति है। हमारे देश में मिडिल क्लास को अगर घर बनाना हो तो कभी बैंकों से ब्याज में रियायत उनको नहीं मिलती थी। नोटबंदी के बाद हमने मिडिल क्लास को घर बनाने की जो लोन है, आज अगर वो 20 लाख रुपए की कीमत का घर बनाता है तो 5 साल के बाद जो बैंक में उसको मदद मिलेगी उसकी बचत करीब 5 से 6 लाख रुपया होगी। मिडिल क्लास के परिवार के 5 से 6 लाख रुपया मकान में बच जाना, ये बहुत बड़ी काम है, ये हमने किया है। उसी प्रकार से मिडिल क्लास के लोगों को आर्थिक विकास के लिए स्टार्टअप की दुनिया, आज पूरा स्टार्टअप एक प्रकार से मिडिल क्लास ड्राइव कर रहा है। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो हमने योजना बनाई है जिसका परिणाम है कि आज दुनिया में हम दूसरे तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से। इसका लाभ भी जो एस्पिरेशनल यूथ है मिडिल क्लास का, वो हिम्मत का साथ उसका फायदा उठा रहा है। फिर छोटी छोटी सीधी बातें जैसे LED बल्ब, मिडिल क्लास के परिवार में अगर 10 लट्टू लगे हैं बिजली के तो आज उसका 500-700 हज़ार रुपया बिजली का बिल कम हो गया, उसको बेनिफिट हुआ है। इनकम टैक्स में जो मदद मिली है उसको बेनिफिट हुआ है। पेंशनर जो कभी 13-14 हज़ार रुपया उसका पैसा का देना पड़ता था, वो आज उसको 2-2.5 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। तो कोई भी विषय ले लीजिए, मैक्सिमम अगर सुविधाजनक काम हुए हैं तो मिडिल क्लास के लिए हुए। चलिए तो फिर मैं अब किसान के बारे में कहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांधी ने जो लोन माफ़ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्ज़ा, उसमें क्षमता नहीं है कर्ज़ा वापस करने की, और दूसरी तरफ है जो लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, वो मज़ा लूट रहे हैं बाहर बैठे हुए, तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूँ।
दूसरी बात है, कौन सा झूठ सर? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया, हकीकत है नहीं किया है, आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आया है। जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया वापस लाने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये दोनों की तुलना करके लोगों को उकसाने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है, अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के ज़माने में भी कर्ज माफ़ी की थी, 2008-09 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफ़ी की गई थी। बार बार कर्ज माफ़ी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफ़ी, चुनाव और कर्ज माफ़ी का सरकार चलाना चढ़ता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अब मुझे बताइए, बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी, सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। चुनाव जीतने के लिए सिंचाई की क्या जरूरत थी, वो लाखों करोड़ रुपए में ऐसे ही कह देता माफ कर। वो तो आपने बहुत सारे स्कीम्स किए हैं जिसे जो आप अपने कैंपेन स्पीचेस में कहते हैं या आपके वैसे भी स्पीच, सॉइल कार्ड, यूरिया, ये सब आप स्पीचेस में कहते हैं, लेकिन जब एक्चुअली फार्मर को कर्ज के तले दबा रहता, यही मैं कहता हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जरा उस तक पहुंचने के पूरा कीजिए ना आप, यानी हम जो कर रहे हैं वो तो यूं ऐसे थोड़ा चलता है जी। मेरा कहना है, किसान को कर्ज होता क्यों है, उसकी समस्याओं का समाधान कर सही कर्ज में, हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं, ये हमने स्थिति बनानी चाहिए। हम सॉइल हेड कार्ड दिया, किसान की लागत कम हुई, जो फालतू दवाई डालता था, फालतू फर्टिलाइजर डालता था, उसको लगा भी जरूरी, जो उसकी फसल के लिए ज़मीन ठीक नहीं थी लेकिन पड़ोसी करता है वो करता है, सॉइल हेल्थ के कारण उसको समझ आने लगी है। 2 क्रॉप के बीच में एक और क्रॉप लिया जा सकता है, उसको समझ आने लगी है। पल्सिस में कभी जाता नहीं था, जो कम लागत वाली है, आज पल्सिस में वो जा रहा है, तो उसी का परिणाम है कि फसल ज़्यादा पैदा हुई है। लेकिन उत्पादन के बाद वैल्यू एडिशन, हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया है किसान योजना के द्वारा, और उसमें हम फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन उस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने की दिशा में हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग को बनाने के लिए हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे देश में ऐसी गलती होती थी कि जहाँ चावल पैदा होता है वहाँ का चावल वहाँ पहुँचाने के बजाय वो कहीं और ले जाते थे, जहाँ चावल दूसरी जगह पर कम पैदा होता है वहाँ से उठा करके यहाँ ले आते थे, रेलवे का खर्चा करके लगाते थे। हमने जोनिंग करने का प्रयास किया कि पहले जहाँ उत्पादन होता है और वहाँ जो ज़रूरत है वो वहीं पहले पूरा करो, ताकि ये वेयर एंड टेयर बढ़ता न चला जाए। तो ऐसी छोटी 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 चीज़ें इतनी की हैं कि जिसका परिणाम है अब किसान को हमने अन्नदाता से ज़्यादा जुड़ करके अब ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो अपने खेत में फसल के सिवाय के समय पर सोलार पैनल से बिजली पैदा करें, बिजली दें। हम सोलार पंप दे रहे हैं ताकि बिजली का बिल ना आए, वो सोलार पंप से अपनी खेती करें, उसकी कॉस्ट कम हो। दूसरा MSP, किसानों की कई सालों से मांग थी कि भैया स्वामीनाथन कमीशन को लागू करके 1.5 गुना लागत का MSP दिया जाए। 22 फसलों में हमने ये निर्णय कर लिया। अगर 2007 में जब ये स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया, उन्होंने MSP लागू कर दिया होता तो धीरे धीरे वो व्यवस्था परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता। लेकिन वो करने के बजाय चुनाव जीतने के रास्ते खोजना। तीसरी बात है,
हम देश के किसानों को समझाना ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है, क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है। देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है, ज़्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है, और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उसे बाहर है, और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं, हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है, कुछ भाजपा सरकारों ने भी किया है। तो जिस राज्य की जैसी सुविधा होगी वो करेंगे, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है, किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमिटेड है, और इसके लिए किसानों को एम्पावर करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं अब एक इशू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है, आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हों या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम, नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है, और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूँ, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूँ कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें, और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में बात की, तो उसमें काउस को लेकर, गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी और बुद्धिजीवी, और यहाँ तक कर कि अब नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है। तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, तो अब आप बताइए कि ये इनसिक्योरिटी मुसलमानों में क्यों है, और इसके लिए आप एक एम्पथी क्यों नहीं आ रही बीजेपी के लीडर्स से? पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए, ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था, उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। एक भी घटना हो गलत है, ये मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात है कि
महात्मा गांधी जो कह रहे थे, आचार्य विनोबा जी भावे कह रहे थे, भारत के संविधान में जो भावनाओं को प्रकट किया गया है उसका भी आदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है, देश के सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है। हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं की भी रक्षा होती है। ये माहौल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए। तीसरी बात है, दुनिया में अरब कंट्री के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने एक आध साल पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना चाहिए, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहाँ विश्व के सभी संप्रदाय हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या है हर एक संप्रदाय की, लेकिन इतने प्यार से मिलजुल करके जीते हैं रहते हैं, जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं। ये गल्फ कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिलजुल करके जी रहे हैं। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज का जो मुख्य फैब्रिक है वो क्या है उसको हमने पढ़ा समझना चाहिए। और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असहिष्णुता लोगों को देखने लग जाती है, डर लगना चाहता, तो किसी का लोगों का एजेंडा होता है ऐसे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के। तो सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, हम ये पूछने नहीं गए कि किस संप्रदाय का गांव था और 18,000 गांव को बिजली। हम सौभाग्य योजना से आगे बढ़ रहे हैं, देश के अंदर 4 करोड़ परिवार ऐसे ध्यान में आए कि जिनके पास बिजली नहीं है। हम ये नहीं पूछते कि किस संप्रदाय से है, वो मंदिर जाता है कि मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, ये हमारा काम नहीं है। 4 करोड़ परिवारों के घर में बिजली का दिया जलना चाहिए। हमने तय किया कि माताएं बहनें चूल्हा जलाने से, लकड़ी के चूल्हे से धुएं की जिंदगी जीती हैं, हर एक को उससे मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना तक गैस पहुंचाना चाहिए। कौन किस मजहब की माँ है इससे हमारा लेना देना नहीं है, हर माँ को मुक्ति मिलनी चाहिए। हर घर में गैस का चूल्हा पहुँचे उस दिशा में हम लगे हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ के करीब करीब पहुँचा दिए हैं, 8 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है और वो भी हम पूरा करके रहेंगे। राजनीतिक हिंसा का जो मामला है ये केरल में, कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में, ये एक काफ़ी पेचीदा मसला है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए से कोई भी कृत्य कहीं पर भी होता है, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमने बहुत भुगता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को भी प्रकट करने से रोक दिया जाए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, चुनाव में हमारे लोगों को जिस प्रकार से मारा गया है ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। केरल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कर्नाटक में हमारे इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, आसाम में इसको भुगत रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को मारा गया है। सवाल हमारे मारे या किसी और के मारे मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से राजनीति, हिंसा की राजनीति भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, ये रास्ता सही नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ, उनके परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी किसी भी हिंसा की प्रवृत्ति को सरकार स्वीकार नहीं करती है, किसी भी दल के साथ हो, किसी भी दल के द्वारा हो, इसको स्वीकार नहीं करती है। हर किसी को न्याय मिले उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं, राज्य सरकार अपनी जिस प्रकार से चीज़ें कर रही, लेकिन कभी न कभी चीज़ें उजागर होकर के रहेगी। आज भले कुछ लोगों को रक्षा मिलती हो लेकिन ये सब उजागर होकर के रहेगी और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। 2019 के चुनाव के लिए आप थिंग्स इन प्लेस की ऐसी राजनीतिक हिंसा ना हो और इलेक्शंस बिल्कुल ही नॉन वायलेंट तरीके से। सवाल चुनाव और नॉन चुनाव सवाल ही नहीं, हिंदुस्तान में हिंसा को कोई स्थान ही नहीं हो सकता है। चुनाव हो तब हिंसा ना हो, बाकी समय हो, ये भी तो नहीं चल सकता ना। चुनाव तो एक
एक तबका होता है, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को अपने आप को इस दिशा में ट्रेन करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा। आपके ये जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़, प्रोग्रेसिव थॉट्स, एक्शंस जो हैं, इसमें ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस भी शामिल है। आप औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए आप खड़े हुए, आपने कहा आप उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, लेकिन जब सबरीमला का इशू आ जाता है, वहाँ सबरीमलाई में आपकी पार्टी कन्वेंशन, ट्रेडिशन, कस्टम्स, उसमें फंस जाते हैं। तो एक समुदाय के लिए कस्टम्स ट्रेडिशंस क्यों और दूसरे समुदाय के लिए प्रोग्रेसिव थॉट, ऐसे क्यों होता है? क्या एक इसमें डिविजन दो चीज़ें आप सही तरीके से नहीं देख रही हैं। एक, दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग कीजिए। दूसरा, भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं, कभी न कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सर, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे वापस आती हूँ। महागठबंधन जो है, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो KCR का जो गठबंधन बन रहा है उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या आप KCR के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं? मेरे ध्यान में कोई आया नहीं है कि अभी KCR का कोई गठबंधन बना है और बन रहा है, मेरे ध्यान में नहीं आया, और मेरा इतना अज्ञान हो तो संभव नहीं है। अब उनका तेलंगाना के प्रति जो द्वेष भाव पड़ा हुआ है, और अभी चुनाव में तेलंगाना की जनता ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है, तो उनकी पीड़ा कहीं झलकती होगी तो वो उनका प्रॉब्लम है, मैं इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ। दूसरा विषय है, आखिर महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से दो दो स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं, और आखिरकार ये लोग हो गए हैं, ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को भाई हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है। उनका इरादा एकमात्र मोदी है, मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। आप अखबार निकाल दीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, ऐसे कोई दृष्टि नहीं है। ये तो गठबंधन वाले खुद कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल यूनिटी नहीं है, बट एनीबॉडी बट मोदी, मतलब ये उनका लाइन है कि एनीबॉडी बट मोदी, इसलिए वो किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे। तो जो 2019 का चुनाव है वो एनीबॉडी बट मोदी वर्सेस मोदी होगा, ये आप मान के चल रहे हैं कि ये आप इस चुनाव को एक चैलेंज मानेंगे कि एनीबॉडी बट मोदी एंड मोदी? देखिए, भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है, भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है, भारत की जनता के एस्पिरेशंस के साथ कौन है
और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था, जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे, अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल कर राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। तो आप तो बहुत ही हम्बल हो रहे हैं इस मामले में, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ तो कह रहे हैं दैट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जहां पर मोदी एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। आप क्या कहेंगे, मानेंगे? मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस बार का चुनाव देश की जनता की आशा आकांक्षाएं, उसको बढ़ाएगा कौन वो जनता तय करेगी, उसको नहीं बढ़ाएगा रुकावट पैदा करेगा 70 साल का अनुभव क्या है वो भी जनता तय करेगी, जनता ही इस बार निर्णायक है। तो आप कह रहे हैं आइडियाज और एजेंडा ये इशू होगा, और अगर आइडियाज और एजेंडा अगर मान के चले तो क्या एनडीए और एलाइज को जोड़ सकती है अपने गुट में मायावती? लगातार लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। हम लोग 2014 में थे, उससे बहुत बड़ी मात्रा में सारे छोटे मोटे दल हमारे साथ जुड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो हम कहीं थे ही नहीं 2014 के पहले, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या मायावती जी जुड़ सकती हैं तो साथ? कौन जुड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता है, और मैं नहीं मानता हूँ कोई समझदार व्यक्ति टीवी के सामने ऐसी चीज़ों का उल्लेख करेगा। और लेकिन लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि देश की जनता इन सारे चीज़ों को जानती है। अब तेलंगाना में गठबंधन का क्या हाल हुआ, बुरा हाल हुआ, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। वो गठबंधन का पहला प्रयोग था, पूरी तरह विफल गया। अभी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सब लोगों ने तय किया था चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जनता ने नकार दिया, 74% वोटिंग हो गया। अभी आसाम के अंदर ये सारा गठबंधन एक बाजू था, भारतीय जनता पार्टी एक बाजू थी पंचायतों के चुनाव में, गठबंधन का हाल बुरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी त्रिपुरा के अंदर यही गठबंधन के लोग वहाँ मैदान में थे, खुलाक कोशिश कर रहे थे, 80-90% भारतीय जनता पार्टी जीत गई, गठबंधन का हाल बुरा। तो ऊपर ये नेता मिल जाए अपने सुरक्षा के लिए तो इसका मतलब ये नहीं जनता जुड़ जाती है। लेकिन आप भी अपने एलाइज को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी चौकीदार चोर है जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने उसे पॉपुलर किया हुआ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके एलाइज इस वक्त चुनावी रिजल्ट्स देखकर थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं? देखिए, हमें पूर्ण बहुमत मिला लेकिन हमने गठबंधन का जो धर्म है उसका पालन किया, साथी दलों को साथ लेकर हमने सरकार में सबको जोड़ने का प्रयास किया है। आज भी सरकार चलाते हैं तो सबके साथ विचार विमर्श कर करके हम चलाते हैं, सारे निर्णय सहमति से होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि स्टेट का अपना एक पॉलिटिक्स होता है और हमारे साथी दल भी ग्रो करे ये उनकी इच्छा रहेगी और हम भी चाहेंगे वो ग्रो करें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा साथी दल एट द कॉस्ट ऑफ साथी दल हम बड़े बने, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। कांग्रेस का खेल ये है, आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ जितने दल जुड़े हैं आखिरकार ये एक गठबंधन की एक विशेषता है कांग्रेस वाले कि सारे लोग हैं वो कभी न कभी कांग्रेस में से निकले हुए कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा करके बाहर आए हुए लोग हैं या कांग्रेस विरोधवाद में से पैदा हुए लोग हैं, और वही जब कांग्रेस के पास जाते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस उनको बलि बना देती है, कांग्रेस उनको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। हमारा केस ऐसा है कि जो भी हमसे जुड़ता है वो फलता है फूलता है खिलता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे साथी दल खिले। कहीं कुछ छोटी मोटी किसी की अपेक्षा रहेगी तो उनको मन करता है कि दबाव डालने से शायद फायदा मिलता है तो कोई वो रास्ता लेता है, किसी को लगता है नहीं मिल बैठ करके बातचीत करने से फ़ायदा होता है तो वो रास्ता लेता है। तो राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वभाव रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर के चलना, सबकी सुनना, सबकी बात को मान करके निर्णय करना। और देश में ये जो एक कल्चर बना है जिसमें हमने रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना ही होगा, और मैं इसमें कमिटेड हूँ।
रीजनल एस्पिरेशंस को नकार करके देश नहीं चलाया जा क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, क्योंकि मैं इसका महत्व समझता हूँ और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सफल है इन सारी चीजों में। आपने इतने विजिट्स किए दक्षिण भारत, लेकिन बीजेपी का फुटप्रिंट दक्षिण भारत में अभी तक नहीं हो पाया है और अब तो सिर्फ 5 महीने रहते हैं चुनाव के लिए। क्या यहाँ पर अलायंसेस बनाएंगे, क्या रजनीकांत, कमला हासन किसी के साथ जुड़कर आप अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे दक्षिण भारत में? पहली बात है तो एक तो ये जो भ्रम पैदा किए गए हैं ना, ये 30 साल पहले जो बातें बोली जाती है आज भी वो डायलॉग चल रहे रहते हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया वर्ल्ड अपने नैरेटिव के संबंध में सोचे। जैसे सालों से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, हम गोवा में सरकार में, हम गुजरात में सरकार में, हम महाराष्ट्र में सरकार में, हम कभी कर्नाटक में सरकार में, तो ये लॉजिक कहाँ बैठता है? ये हम दक्षिण में है इसलिए ये प्रकार का लॉजिक ठीक नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी उच्च वर्ण की पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों का वर्ण कौन सा है मैं बोलना नहीं चाहता और सबको मालूम है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दलित एमपी, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एसटी एमपी, सबसे ज़्यादा किसान एमपी, ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए एमपी, लेकिन एक प्रकार का बना दिया गया कि ये होता है, फिर बना दिया गया हम शहरी पार्टी। रियलिटी है कि इतना बड़ा पार्टी शहरी होता तो हम तो सिमट के रहते, हम तो शहर के भी हैं, गांव के भी हैं, हम ऊपर के समाज से भी जुड़े हैं, हम नीचे के समाज से भी जुड़े हैं, और इसलिए ये जो पुराने जमाने की सोच है उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में भी एमपी है और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में भी एमपी है, भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में भी एमपी है तो भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट में भी एमपी है, तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ है। हम लगातार हमारी पार्टी के विस्तार के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, सहमना जो लोग हैं दल, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जिनके साथ हम चल सकते हैं, हम हमेशा सबके साथ चलने का प्रयास करते हैं। हम ताकतवर हो उस राज्य में भी हम साथ चलना चाहते हैं, हम ताकतवर न हो उस राज्य में भी साथ चलना चाहते हैं, तो साथ चलना ही हमारा सिद्धांत रीजनल एस्पिरेशंस को बल देने के हमारे मूलभूत सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मैं इंस्टीट्यूशंस पे आती हूँ। कांग्रेस और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, ऑपोजिशन पार्टीज, ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है उसने कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया है। सीबीआई का जिक्र करते हैं जहाँ पर नंबर वन नंबर टू की लड़ाई इतनी हो गई थी कि पीएम लेवल पर इंटरवेंशन करना पड़ा। आरबीआई का देख लीजिए, टेन्योर ख़त्म होने से पहले चीफ को रिज़ाइन करना पड़ा और उनका एलिगेशन है कि बीजेपी सरकार कॉफर्स खाली करना चाहती है, आरबीआई के कॉफर्स। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि कांग्रेस को ये सब बोलने का कोई हक ही नहीं है। प्रधानमंत्री और पीएमओ को हो, उसके खिलाफ आपने एनएसी बना दिया था, ये कौन से पीएम ऑफिस की ताकत को आपने महत्व दिया था? कैबिनेट इतना बड़ा निर्णय करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का एक नेता उस कैबिनेट के निर्णय के कागज़ को टुकड़े करे, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं आप लोग? आपने जुडिशरी को, जो सीनियोरिटी के आधार पर जज नियुक्त किए जाते थे, ओपनली कहा कि हम आइडियोलॉजी के आधार पर जुडिशरी को तय करेंगे, और आपने सीनियर जजों को बाहर निकाल करके फेंक दिया था और जूनियर जज को अपने अनुकूल बनाया। ये लोग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यही आरबीआई जिसमें कई बार गवर्नरों को समय से पहले निकालना पड़ा है, आपने प्लानिंग कमीशन के लोगों को जोकरों का बंच कह दिया था, मालूम है कौन थे उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन, और ऐसा बोला गया था। इन लोगों के मुंह से शोभा देता है। जहां तक सीबीआई आंतरिक व्यक्तिगत मामला आया तो सरकार ने न्यायिक तौर पर से कहा भाई आप लोग दोनों छुट्टी पर चला जाइए, इंस्टीट्यूशन हमारे लिए प्राथमिकता है। आरबीआई का सवाल आया, स्वयं गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की अपने निजी कारणों से, और मैं पहली बार आपको बताता हूँ, वे 6-7 महीने से मुझे लगातार कह रहे थे, लिखित में भी कहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे लिख करके भेजा था। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, सवाल ही नहीं उठता है जी, सवाल ही नहीं उठता है। और मैं मानता हूं कि आरबीआई गवर्नर श्रीमान उर्जित पटेल ने अच्छा काम किया है।
और ईडी के बारे में कांग्रेस का कहना ये एम्बैरेसमेंट डायरेक्टरेट बन गई है, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पहले कहा था कि एक वेंडेटा के तौर पर रेड्स हो रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं, अभी शोहराबुद्दीन के का जजमेंट आया है, उस जजमेंट में क्या क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। कोर्ट का जजमेंट है, सीबीआई कोर्ट का जजमेंट है, किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। देखिए, हम 4:30 से बैठे, हम पर तो आरोप ये है कि मोदी इन लोगों के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं दोनों तरफ से। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि वेंडेटा है, ईडी प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है, और अगर विदेश से कोई व्यक्ति जो राजदार है वो भारत के कब्जे में आता है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मिशेल को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का वर्कर वकील बनकर के पहुंच जाए तब चिंता का विषय बनता है, वरना इस देश में तो गर्व होना चाहिए कि चलिए भाई एक राजदार आया है, सही जांच होगी, न्यायिक निगरानी में होगी तो देश का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बजाय आप अपनी पार्टी के वकील को भेज करके आप उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, चिंता का विषय तो ये है। उन्होंने तो नाम भी ले लिया है, मिसेस गांधी कहा, इटालियन पुत्र कहा। मेरे पास मीडिया रिपोर्ट है, मेरे पास और कोई जानकारी नहीं जी। रफाल का मुद्दा जो है, उस जहाज को लेकर राहुल गांधी ने सीधा सीधा आप पर करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, इसका एलिगेशन किया है, लेकिन आप चुप रहे, आपने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी आपके दोस्त हैं, ऑफसेट में आपने उनका नाम लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट पर प्रेशर डाला, डसॉल्ट पर प्रेशर डाला, और उसकी वजह से रफाल खरीदना पड़ा, ज़्यादा दाम देकर खरीदना पड़ा, लेकिन आप कोई सफाई नहीं दे रहे, आपके पार्टी के लोग दे रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, और सीधा सीधा आप पर इल्ज़ाम था। नंबर वन, ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है, सरकार पर आरोप। मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है, जहाँ भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीज़ें निकाल कर के रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है, उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बोले तो आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठहरिए भाई आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए, ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए, एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है, ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। दूसरी बात है, देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद लगातार डिफेंस डील हमेशा विवादों में क्यों आए हैं, ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है, क्या कारण है? दूसरी बात है, डिफेंस डील में दलालों को क्या जरूरत है, क्या इन दलालों के बिना डिफेंस डील नहीं होता? तीसरी बात है, मेक इन इंडिया अगर 70 साल पहले शुरू हुआ था, भारत खुद अपने शस्त्र बनाता, तो ये बाहर से जो मलाई खाने वाला रास्ता है वो बंद होता कि नहीं होता? मेरा गुनाह ये है कि मैं मेक इन इंडिया की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा गुनाह ये है कि हिंदुस्तान में सेना को जो ज़रूरत है वो हिंदुस्तान में बननी चाहिए, ताकि सारे बाहर से जो सौदेबाजी हो रही है बंद होनी चाहिए, और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए लगा हूँ, यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात है, जो लोग सेना को दुर्बल बनाना चाहते हैं, आरोप कर मर देते हैं, क्या मुझे मेरे पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए? मैंने तय किया है, जितनी गालियां पड़ेगी मैं खाऊंगा, जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए,
मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, राष्ट्र रक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलूंगा, मैं मेरे सेना के जवानों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ूंगा, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेज गति से चला करके करूंगा, मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूं, इसलिए झूठे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुर्बल नहीं कर सकता हूं, मैं मेरी देश की सेना को निहत्थी नहीं कर सकता हूं, देश को जो आवश्यकता है वो मिलना चाहिए। सेना की बात चल रही है तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पे आती हूँ। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए उसके बाद बहुत से पूर्व सैनिक जो हैं उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर इलेक्शन में जो उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं बीजेपी उसे एक सक्सेस और एक पॉलिटिकल तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है, क्या ये गलत है? पहली बात है कि मैं स्वयं इस मत का हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन यहां दी इतना नहीं, टेलीफोन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था, और जब तक पाकिस्तान को सूचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था, और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया था, वहीं बात समाप्त हो गई थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया। पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था क्योंकि उनको वहां मोरल टकाए रखने के लिए आवश्यक था, लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे, अपने बात को वजन देने के लिए उदाहरण भी पाकिस्तान का दे रहे थे। राजनीतिकरण वहीं से शुरू हुआ। आपने देश की सेना के लिए अनाप शनाप शब्द बोले, और मैं मानता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाएं की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाएं की और पहले ही दिन बयानबाजी कर करके इस प्रकार से उसको रौंद डालने की कोशिश की, वो गलत हुआ है, और इसलिए मैं स्पष्ट मत कहूँ कि इसका कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, सैन्य का गौरव करना उतना ही जरूरी होता है, सैन्य के पराक्रम का वर्णन करना उतना ही जरूर होता है। देश के प्रधानमंत्री के नाते, देश की सरकार के नाते और देश के नागरिक के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि 62 के लड़ाई में भी हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका जिक्र करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका भी जिक्र करना चाहिए। देश के जीने मरने वाले लोगों के गौरवगान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो गौरवगान को राजनीतिकरण कहना अनुचित है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, पता नहीं जवाब आप देंगे कि नहीं। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस दिन हुआ तो कहा जाता है कि आपको लाइव इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था, आपको स्टेप बाय स्टेप पता था कि क्या हो रहा है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि ये संभव था कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक बॉच्ड स्ट्राइक है, और ये भी हो सकता था कि लोग आपको एक वॉर मॉन्गरिंग लीडर के तौर पर समझे कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, आप जंग छेड़ना चाहते हैं। उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर यू वर टेकिंग सच अ स्टेप, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखिए, जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था, मैं बेचैन हो गया था। मैं केरल गया था, मैंने केरल में एक पब्लिक मीटिंग में इसका जिक्र भी कर दिया क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूं और मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरा व्यक्तिगत आक्रोश, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं संतुलन समझता हूं,
लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की, लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज़्यादा लगी हुई है, वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, क्या है क्या रिक्वायरमेंट है, और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था, और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े, तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की ज़रूरत थी उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग वहाँ की अड़चनें उसको भी देखा गया, क्या क्या रुकावटें आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था। फिर हम जब बैठे तो हमने निर्णय किया कि भाई अब सो एंड सो डेट हम करेंगे, कौन कहाँ रहेगा, उसका मेन टीम के लोग वो भी तय किया, और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं, जो भी करना, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल हुआ विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े, तो विफल होकर लौट, मतलब सुइसाइड मिशन नहीं था, लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था, और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है, तो छांट करके लोग निकाले थे। और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोश था, मैं लाइव कॉन्टैक्ट में था चीज़ें का, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है, पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है वगैरह, लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए, तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी दो तीन टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है, लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुँचने तक मुझे खबर चाहिए, लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद दो घंटे तक वापस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई और उनको मीडिया ने आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीफ किया। उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये काम कैबिनेट कमेटी ने सिक्योरिटी ने तय किया और पहले पाकिस्तान को सूचना करो कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके बाद मीडिया को बताना। तो पाकिस्तान के लोग टेलीफोन पे आते नहीं थे, मीडिया को 11 बजे बुला लिया था। मीडिया भी परेशान था कि भाई ये क्या बात है, बोलते नहीं कुछ। बात करीब 11:30-12 बजे हुई, तो 12 बजे फिर प्रेस को सारा देश को बताया। तो मेरे लिए ये पल बहुत ही एक प्रकार से एक्साइटमेंट भी था, चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वॉल्व था, तो बारीक नज़र ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, जिस बारीकी से किया, हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचय हुआ जी। हमारी सेना में ये जो सामर्थ्य है अद्भुत है जी, और मैं तो सर झुकाकर उनको नमन करता हूँ। कितनी बारीकी से, इतनी परफेक्टली उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर। सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्योंकि अभी भी घुसपैठी आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी भी है, कश्मीर में वायलेंस का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ, तो क्या वो एक डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे, हॉट परस्यूट हम करेंगे? पहली बात है कि इन चीज़ों को मैं मीडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूँ, वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए। किस रणनीति से चलना, कैसे चलना, वो जिस स्तर पर होता है वहाँ हो रहा है, होता रहा है। दूसरा, 65 की लड़ाई हुई, विभाजन हुआ उस दिन भी लड़ाई हुई, तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा। पाकिस्तान की बात हो रही है, आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को न्योता दिया, आप खुद लाहौर चले गए, शपथ लेने से पहले, इमरान खान के शपथ लेने से पहले आपने उन्हें मुबारकबाद दी। उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतने उतावले क्यों हो रहे हैं मोदी जी कंग्रेचुलेट करने में, क्या नोबेल प्राइज उनका गोल है क्या, और आपने इतने कदम उठाए, लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही ख़त्म से हो गए हैं, डायलॉग शुरू नहीं हुआ है। तो अब जब इमरान खान आ गए हैं और उन्होंने कहा है करतारपुर कॉरिडोर के बाद, जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, इन 5 महीने में इलेक्शन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलॉग शुरू हो सकता है? नंबर वन, भारत ने कभी भी, चाहे UPA सरकार हो चाहे NDA सरकार हो, भारत की किसी भी सरकार ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है। ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। हमारे देश की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यूपी एनडीए नहीं है, ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है, कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हमारी, हम चर्चा के लिए तैयार है। हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि ये विषय होगा तो नहीं करेंगे, ये विषय होगा नहीं, सभी विषयों पर, क्योंकि भारत का ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई नहीं देती है, आतंकवाद बंद होना चाहिए, क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए, और इस पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हमने दुनिया में वातावरण बनाया है, आज टेररिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, यह हकीकत है। और दूसरी बात है, घटनाएं भी सीमित हुई है। आज मानवता में विश्वास करने वाले, कानून में विश्वास करने वाले, देश की एकता अखंडता में विश्वास करने वालों का हाथ ऊपर है। तो आप क्या इमरान खान के जो बयान हैं उन पर आप कुछ सिंसियरिटी देखते हैं? मसलन अगर वो आपको न्योता दे सार्क सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, तो क्या आप इस्लामाबाद जाएंगे सार्क में, अगर सार्क हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के, अगर वो अगर न्योता देते हैं तो? पुरानी कहावत है, When we'll reach the bridge,
उसी को मैं दोहराऊंगा और क्या कहूंगा। चलिए अब आप चाइना की बात करते हैं। आप शी जिनपिंग को गुजरात ले गए, आप 12 या 13 बारी मिल चुके हैं, लेकिन जवाब में भारत को डोकलम मिला। क्या आप भी जवाहरलाल नेहरू की तरह धोखा खा गए? डोकलम में भारत ने क्या किया उसके आधार पर भारत का मूल्यांकन होना चाहिए, और भारत के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसको आप धोखा कह सकते हैं। लेकिन हमारा मूलभूत रहा है कि हम पड़ोसी देशों से मित्रता चाहते हैं, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत रहा है, और सिर्फ इस सरकार का नहीं, हिंदुस्तान की सभी सरकारों का रहा है कि हम पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहते हैं, हम पड़ोसी देश सारे हमारी तरह ही आगे बढ़े ये हम चाहते हैं, तो ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं आपके, एक तो बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा ये फोटो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं और कॉन्क्रीट स्टेप्स ज़्यादा नहीं होते इसमें। देखिए, सभी प्रधानमंत्रियों के करीब करीब इतनी ही यात्रा होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जी, आप अगर हिसाब लगाएंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल फॉरम बहुत बन गए हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है, समिट है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहाँ हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती है उस फोरम में, तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गए। पहले तो एक यूएन जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो एक बार चले गए और वहाँ दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता करके आते थे, आज ऐसा नहीं है। G20 है, पता नहीं कितने कितने बन गए, तो मैं बोलने जाऊँगा तो भी चार नाम मेरे छूट जाएंगे, तो वो अनिवार्य हो गया है। और वो मेरे साथ नहीं, मनमोहन सिंह जी को भी करना पड़ता था। मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूँ अगर एक देश में तो बगल के एक दो देश करके आता हूँ, तो कम खर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है, तो मैं भारत का दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुँचे प्रयत्न करता हूँ। दूसरी बात है, जहाँ तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहाँ जाते थे वहाँ भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहाँ से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूँ तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, कुछ निर्णय करता हूँ, और मैं मानता हूँ देश के लिए मुझे करना चाहिए, इसके लिए कोई मुश्किल काम। प्रधानमंत्री जी, जब आप बनारस गए थे 2014 में, आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन क्या 4.5 साल बाद अभी भी गंगा क्लीन अप एक्शन पूरा नहीं हुआ? आपको लगता है आपका वायदा पूरा नहीं हुआ अभी तक? ये बात मैं आज भी मानता हूँ। जब टीवी के लोग मुझे पूछ रहे थे तो मेरे भीतर से निकली हुई आवाज़ थी वो, कि माँ गंगा ने बुलाया है, और एक बेटे के रूप में मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। 5 राज्य इसके साथ साथ लेकर के मुझे चलना है। अभी तो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है तो थोड़ा सरल हो गया, पहले अलग अलग सरकारें थी तो उनका अपना एक प्राथमिकता कुछ अलग थी, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने एक काम जरूर किया, जब राजीव गांधी के ज़माने से इतने पैसे खर्च किए गए, ये सफलता क्यों नहीं मिली, तो हमने उसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें जो कमियाँ थी उसको कैसे ठीक किया जाए, तो हमने पूरी रणनीति उस प्रकार से बनाई और काफ़ी अच्छा प्लानिंग करके काम किया है। अब आप देखिए, 120 साल पुराना एक नाला जो करोड़ों लीटर पानी, गंदा पानी गंगा में डालता था, 120 साल के बाद अभी वो बंद किया गया। अभी 4000 गांव जो गंगा के तट पर है वो सभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। जितने भी नगर पालिकाएँ महानगर पालिकाएँ हैं वहाँ, अभी मैं बनारस गया तो वहाँ भी बहुत बड़ा STP का प्लान हमने लोकार्पण किया। तो पहला काम है पहला गंगा को गंदी करने से रोकना, तो सारे सिविल प्लान, अब यह कंस्ट्रक्शन लगता है 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, सारे चल रहे हैं, कई हो चुके हैं, कई हो रहे हैं। अब दूसरा जो बड़ा चैलेंजिंग काम आने वाला है वो जितनी नदियाँ जुड़ती हैं गंगा जी में, वो भी तो किसी न किसी गांव या नगर पालिका के निकट, वहाँ भी तो गंदा था तो वो भी गंदा पानी लेकर के आती, अब उनको भी रोकना है, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज काम है। लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा इंटरनेशनल रिपोर्ट कि भी गंगा का पानी में शुद्धता दिखाई देने लगी है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये तो अभी
लेकिन हमारी दिशा सही है, हमने जिन जिन चीज़ों को हाथ में लिया है सही दिशा में पकड़ा है और ये हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, हमने अब उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है, आने वाले 25 साल का सोच करके बनाई है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी 15 साल तक उसको मेंटेन करने का काम दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई म्यूनसिपालिटी चला ना पाए और इसलिए वो बंद हो जाए तो फिर से गंदा पानी जाना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि ये परिणाम मिलेगा। तो चुनाव आप बनारस से ही लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा में आया है कि शायद आप पूरी से लड़ें। ऐसा है कि मीडिया वालों को भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना, चलता रहता है। चलिए अंत में प्रधानमंत्री जी आपसे पूछूंगी कि आप पहली बार के संसद हैं, आपको संसद में आके कैसा महसूस हुआ और क्या आपने सोचा भी कभी कि राहुल गांधी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आंख मारेंगे साइड में बैठे हुए व्यक्ति के साथ? उस वक्त कैसे फील, कैसा महसूस हुआ आपको, और इन 4.5 साल जो आप सांसद रहे उसके बारे में जो अप्स एंड डाउन्स थे उसका कुछ बताएंगे हमें? हमारी संसद में अच्छी चर्चा हो, गहन चर्चा हो, ये बहुत जरूरी है। हमारे सभी सांसद वक्ता हो जरूरी नहीं है, लेकिन सांसद धरती से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी दल का हो, उसको बहुत बारीकियों का पता होता है जो सरकारी फाइलों में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जितनी ज़्यादा बहस होती है उस मंथन में से अमृत निकलता है, और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूँ कि बहुत व्यापक चर्चा हो, खुल करके चर्चा हो और इशू की बारीकी की चर्चा हो। दुर्भाग्य से ये धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मानो 8 घंटे बहस होती है तो 8 घंटे तक सरकार को घेरने का मौका मिलता है, सरकार की बारीकियों से आलोचना करने का मौका मिलता है। इससे सरकार में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी चौकन्नी हो जाती है, उनको भी लगता है अभी तो सिर्फ राजनेताओं पर छिटाके सी हो जाती है, पॉलिटिकल माइलेज किसी का कम किसी का अधिक होकर के बात चल, व्यवस्था पर जो दबाव पैदा होना चाहिए वो नहीं होता है। संसद का काम है व्यवस्था पर दबाव पैदा हो। हर ब्यूरोक्रेसी को लगना चाहिए, पहले तो एक LAQ आता था तो पूरे ब्यूरोक्रेसी हिल जाती थी, आज वो स्थिति नहीं रही है, ये चिंता का विषय है। वाटर डाउन हो गया है पार्लियामेंट्री, और इसलिए मैं चाहूँगा कि लोकतंत्र में हमारी संसद और जागृत हो और सजग हो, हमारे सांसद जो चुन करके आते हैं उनको अपनी बात बताने का अवसर मिले। मुट्ठी भर लोग इसको दबोच करके बैठ गए हैं, उन्होंने लोकतंत्र का बहुत नुकसान किया है। तो आखिरी सवाल प्रधानमंत्री जी की, 4.5 साल के बाद आपको अपने टेन्योर में एज प्राइम मिनिस्टर आपको कोई रिग्रेट, किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट, और सबसे अच्छा क्या लगा आपके टेन्योर में, जो क्या काम था जो आपको लगता है कि ये काम करने में बहुत आनंद आया और ये काम रह गया, ये रिग्रेट? देखिए, ये निर्णय मैं जनता पर छोड़ देता हूँ कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष है कि नहीं है, अच्छा लगा या नहीं लगा। एक बात जरूर है जो इसका मुझे आश्चर्य तो नहीं है, जो एक लुटियन दुनिया मानते हैं उसको मैं न अपने में ला सका हूँ न अपना बढ़ा सका हूँ, क्योंकि न मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था, क्योंकि मैं एक, मेरा बैकग्राउंड अलग है, तो एक नॉन एलिट वाली दुनिया का मैं प्रतिनिधि हूँ एक प्रकार से। तो उनको मैं जीत नहीं पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कैसे जो तत्व हैं उनको कैसे जीत पाऊँ, कोशिश करूँगा। आनंद किस बात का आया एज प्रधानमंत्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपको जो दी गई थी, अब 4.5 साल में किस बात का आपको बहुत आनंद आया रिप्रेजेंटिंग इंडिया? देखिए, मुझे हर पल आनंद आया है, मैंने हर काम आनंद से किया है, हर काम खुशी से, क्योंकि मेरे हर काम में सत्यता है, पवित्रता है, ईमानदारी है,
और 125 करोड़ देश से आगे पीछे कुछ नहीं है, और इसलिए हर पल काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, आनंद से करता हूँ मैं, और इसलिए मैं उसमें से ये आनंद और ये आनंद नहीं, ऐसा नहीं निकाल सकता हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद। फिर से एक बार नववर्ष की देशवासियों को, दर्शकों को, ANI को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।